दोस्तों आज जब आरसीबी को जीत के लिए आखिरी गेंद पर चाहिए थे दो रन तो मैच में हुआ बड़ा ड्रामा, जिसके बाद ग्राउंड पर रोती ऋचा को गले लगा जीता स्मृति ने सबका दिल। दरअसल आज ऋचा घोष ने आरसीबी के लिए ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने आरसीबी के हारे हुए मैच में लगभग जीत को पक्का कर दिया। लेकिन फिर लास्ट बॉल पर आरसीबी को जीत के लिए जब सिर्फ दो रन चाहिए थे तो ऋचा ने पॉइंट की दिशा में शॉट खेलकर रन भागने में थोड़ी सी देरी कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट होकर चुकाना पड़ा। अपनी इस एक गलती से ऋचा इतनी शॉक में आ गई कि ग्राउंड पर ही वो फूट फूट कर रोने लग पड़ी। इस टाइम ऋचा की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, जिसे देखकर दिल्ली की कप्तान मैकलेनिंग और जमीमा रोड्रिगस भागकर ऋचा के पास गई और उन्हें चुप करवाया। लेकिन बावजूद इसके ऋचा के आंसू नहीं रुके। हालांकि इस टाइम आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना भी काफी इमोशनल थी, बावजूद इसके वो ऋचा के पास गई और उन्हें गले से लगा कर चुप करवाया।